का नाम है क्या रहता है, कौन सी क्लास है? सेवन। क्या बनेगा? इंजीनियर। बच्चों एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं आप। हमारे लोकप्रिय सांसद, इनका ये भावना थी कि आप सबके लिए जीवन की कोई रुकावट ना आए, ऐसी भावना इन्होंने व्यक्त करी हम सबके साथ। और हम लोग आपके इस प्रकल्प को पूरा करना चाह रहे हैं। बच्चे लगातार आ रहे हैं अलग अलग शहरों से, कोटा एलएम में 150 बच्चे करीब रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कोटा में आके रहने लग गए। वो बच्चे हाथ खड़े करें जो बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं। समृद्धि का क्या नाम? आओ बेटा समृद्धि। हाँ हाँ आजा बेटा, आप ही आजा, इधर से आजा, बढ़िया इधर से एक व्यापी लहर ने संपूर्ण देश के अंदर संक्रमण की इस तेज रफ्तार के कारण हमारे परिवार के कई लोग निरह हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों का पूरे परिवार का खर्चा, पूरे संयुक्त परिवार का खर्चा परिवार के मुखिया के नाके उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन संक्रमण वायरस के कारण संवेदना के साथ
एक सामाजिक पीड़ा उठाया कि पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमण वायरस के कारण इस परिवार में कोई मुखिया नहीं रहा या उस परिवार में खर्चा चलाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, उस परिवार के बेटी और बेटी को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, किसी भी क्लास का हो, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, उसको एलएन परिवार निःशुल्क शिक्षा कराएगा। अपने इसी फैसले के तहत मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज देश भर का विद्यार्थी यहां पर निःशुल्क शिक्षा भी प्राप्त करेगा, आने वाले समय में अपने सपनों को भी पूरा करेगा। हम सब उन परिवार के सहयोगी हैं और सहयोगी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आपदा दुख के संकट के समय हम परिवार के साथ रहें, उस परिवार में जो बीच में पढ़ाई कर रहा था उसकी पढ़ाई पूरी हो और जो आर्थिक अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहा था उसकी शिक्षा निःशुल्क हो। साथ में अगर वह राज्य के बाहर से कोटा के बाहर से कहीं रहता है तो उसके आवास और भोजन की व्यवस्था भी यहां के छात्रावास, यहां की वेलफेयर सोसाइटी, यहां के समाज के लोगों ने उनके रहने और भोजन की व्यवस्था भी की है। हम ऐसे परिवारों के साथ हमेशा रहेंगे। दुख की पीड़ा की इस घड़ी में हम उनके सहयोगी और परिवार के सदस्य के रूप में उनके साथ हमेशा रहें ताकि इस दुख को हम कम कर सकें। मैं इन सब विद्यार्थियों को जो भविष्य के अपने सपनों को पूरा करने आए हैं, मुझे आशा है कि वह कड़ी मेहनत कर कड़े परिश्रम कर अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। कोटा देश का वह शहर है जहां समाज में संवेदना है, सामाजिक रूप से सामूहिकता से काम करते हैं, हर आपदा अभाव और चुनौतियों को मिलकर लड़ते हैं। मैं एलएन परिवार और सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इन बच्चों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कभी भी परिवार में कुछ भी परेशानी हो, कठिनाई हो, तो हम आपके अभिभावक हैं, हम आपके साथ हमेशा हैं ताकि इस अभाव को दूर कर सकें, इस दर्द और पीड़ा को दूर कर सकें। इसके लिए हम सब सामूहिक रूप से आपके साथ हमेशा रहेंगे। मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, उनमें आत्मविश्वास है, लगन है और अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय है।
वही आत्मविश्वास, उनका प्रतिबद्धता, उनका संकल्प निश्चित रूप से उनके सपनों को पूरा करेगा और हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में, एक अभिभावक के रूप में पूरा कोटा आपके साथ है। भारत माता की जय।